देखो मैं एक एरे दे रहा हूं आपको, उस एरे के अंदर तुम्हें क्या करना है, लीनियर सर्च करना है। अच्छा जब आप लीनियर सर्च करते हो ना, तो एक्चुअल में इट्स लीनियर सर्च जिसमें आप वन बाय वन सर्चिंग करते हो, ठीक है। तो मैं लीनियर सर्च के अंदर आपको मल्टीपल तरीकों से कराऊंगा कोड के अंदर ना। लीनियर सर्च का मतलब होता है यू हैव टू सर्च योर द गिवन वैल्यू इन टू द एरे वन बाय वन। मतलब क्या, अगर आपको मैं बोलूंगा एक वैल्यू को सर्च कराओ, तो पहले आप उसको सर्च कराओगे जीरो इंडेक्स पे, दैट इज 10, वन इंडेक्स पे दैट इज 20, टू इंडेक्स पे दैट इज 30, फोर इंडेक्स पे दैट इज 40, और फाइव इंडेक्स पे दैट इज, सही, फोर सॉरी जीरो से लेके फोर तक चलेगा। अच्छा एक और बात जरा सुनना भाई, लीनियर सर्च का मतलब होता है वन बाय वन सर्चिंग कराना, सही है। यहाँ पे पहले इंडेक्स जीरो होगा, तो जीरो पे क्या लिखा हुआ है बताओ अहमद, अहमद जीरो सर पे 10 वन पे क्या लिखा हुआ है 20, टू पे 30, फोर पे, टू के बाद थ्री, थ्री पे वन जीरो वन टू थ्री, थ्री पे क्या लिखा हुआ है 40, और फोर पे क्या लिखा हुआ है 50। याद रखना इन पाइथन, कमेंट लिख रहा हूं, इन पाइथन इंडेक्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। इंडेक्स हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से, सही है ना। चलो अब लीनियर सर्च का मतलब क्या होता है बताओ जरा सोफियान, लीनियर सर्च का मतलब क्या होगा? वन बाय वन जैसे के सर्च कराए हम मेरे घर अगर मैं यहाँ पे एक बोलता हूँ इंडेक्स है, इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, मैंने कहा यार ये इंडेक्स है, और इंडेक्स को मैं जीरो से कहता हूँ, तो बताओ इंडेक्स कहाँ तक चलेगा? टोटल इंडेक्स पहले जीरो पे, फिर वन पे, फिर टू पे, फिर थ्री पे, फिर फोर पे, यही है ना। एक और वेरिएबल ले लेता हूं, दैट इज फ्लैग, और फ्लैग के अंदर मैं कह देता हूं फॉल्स, क्योंकि मुझे वैल्यू नहीं मिली तो मैंने फ्लैग में क्या बोल दिया, फॉल्स। और बच्चों अब मैं एक एरे बना रहा हूं, और उस एरे में जीरो से लेके फोर तक के डेटा पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। अब अगर मैं फॉर लूप लगाऊंगा, ठीक है, तो क्या फॉर लूप लगाना सही होगा या नहीं होगा बताओ? फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू जीरो से लेके फोर तक ना, बोलो सही होगा या नहीं होगा, बोलो ना। सर, सही होगा आई थिंक। तो फिर ब्रेक कैसे होगा? ब्रेक कराना होगा ना तुम्हें, अगर वैल्यू मिल जाए तो, ये है भी ना, हाँ, वरना इनएफिशिएंट हो जाएगा बार बार लूप। इनएफिशिएंट हो जाएगा बार बार। तो फॉर लूप को या तो हम ब्रेक करा देंगे, है ना, आओ कराते हैं। पहले यूजर से जरा वैल्यू इनपुट ले लो, आ जाओ बेटा वैल्यू इनपुट लेते हैं। हमने कहा यार आइटम इनपुट ले लो, दैट इज इन द न्यू वेरिएबल वैल्यू इंटीजर, मैंने कहा यार इनपुट ले लो, एंटर वैल्यू टू सर्च, ठीक हो गया बच्चों। अब फॉर के लूप लगाता हूँ, चार तक चलेगा, ठीक हो गया। इंडेक्स को जीरो इनिशियलाइज किया है, जरूरी तो नहीं है ना, अगर ऐसे करो तो इंडेक्स को जीरो से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। आओ यहां पर आ गए, इंडेंटेशन अंदर होनी चाहिए, सही है ना। यहाँ क्या लाइन लिखूंगा, इफ एरे का नाम क्या मार, ओ अहमद, सर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा, वेरिएबल क्या है, इंडेक्स किसके बराबर हो, डबल इक्वल्स किसके बराबर हो सुफियान, जो तुम वैल्यू इनपुट ले रहे हो वो किसमें, जी जी में। अबे तुम वैल्यू जो इनपुट ले रहे हो वो किस में ले रहे हो, वेरिएबल का नाम बताओ। अरे मेरा बच्चा जो वैल्यू इनपुट ले रहा है कौन से वेरिएबल में इनपुट ले रहा है आप सही, सोफिया, आपने यहाँ चेंज कर दिया जी। हाँ ठीक आइटम में ना, ठीक है। तो तुम है, बताओ, हाँ हाँ जी, यस आइटम। एरे एरे इंडेक्स किसके बराबर हो बेटा, आइटम के, आइटम में जो भी हो अगर वो दोनों बराबर आ जाए, अगर वो दोनों बराबर आ जाए तो मैंने एक फ्लैग नाम का वेरिएबल लिया है ना, फ्लैग क्या हो जाए, तो तो ट्रू हो जाएगा। मैं बोलूंगा फ्लैग इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू सिंगल इक्वल्स टू, सही। सिंगल और क्योंकि फॉर लूप है तो फॉर लूप तो चलता रहेगा, मैं बोलूंगा भाई ब्रेक कर दो इसको, समझ आया ब्रेक क्यों लगाया मैंने, अहमद क्यों लगाया ब्रेक, ताकि अगर वैल्यू मिल जाए तो वहीं रुक जाए, बार बार ना चलता रहे। वेरी गुड, ठीक है ना।
अगर यहाँ पे लिखूंगा ये सब तो लूप के अंदर आएगा, तो मुझे लूप के अंदर तो लिखना ही नहीं है ना, तो मैं इंडेंटेशन खत्म करूंगा, कर दूं खत्म। चाहिए, अब मैंने इंडेंटेशन खत्म कर दी। बताओ इफ अगर फ्लैग मेरा ट्रू हो तो क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए? क्या प्रिंट होना चाहिए बताओ? वैल्यू वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स, और इंडेक्स कौन सा होगा बेटा? इंडेक्स के लिए वेरिएबल इंडेक्स ही है ना। चाहिए एल्स में क्या बोलूंगा, प्रिंट वैल्यू नॉट फाउंड। सही है नहीं है लड़कों, सही है सही लग रहा सर। है? अगर अगर वो फॉर एग्जांपल पहले इंडेक्स पे उसको वैल्यू नहीं मिली तो फिर वो वापस से ऊपर फॉर के लूप पे जाएगा ना। जी अच्छा, मतलब वो ब्रेक नहीं होगा, वो कंटिन्यू करता रहेगा बाकी दूसरे इंडेक्स। चलो रन करके ओके देखते हैं ना। देख रहे हो? जी सर। हाँ भाई सुफियान, देखो मैंने रन करा कोड, वो मुझसे कह रहा है वैल्यू मुझे आइटम दो जो तुम्हें सर्च कराना है। चलो मैं सर वो करवा रहा हूँ। सुफियान बेटा वो कह रहा है, क्या कह रहा है जी भाई, जी नजर लगा दी तुमने? अभी तो चल गया था, क्या कह रहा भाई? ये देखो सुफियान क्या कह रहा है बेटा, एंटर वैल्यू टू सर्च। ठीक है सुफियान, अगर मैं यहाँ पे बेटा 20 दूंगा तो बताओ 20 मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर्चिंग हो जाएगी नहीं मिलेगा मिलेगा? कौन से इंडेक्स में मिलेगा, 0 पे या 1 पे? क्या वन पे। लिखा हुआ है, वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 1। आया समझ? सही, दोबारा रन करता हूँ। जी। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 55, बताओ सुफियान वैल्यू फाउंड और नॉट फाउंड? नॉट फाउंड। करो एंटर, क्या लिखा हुआ है, वैल्यू नॉट फाउंड। समझ आ गया कोड? नॉट फाउंड। सही है, देखो बेटा क्लियर है बच्चों, लीनियर सर्च समझ आ गया। सही, क्लियर। ठीक है, अब मैंने लीनियर सर्च कौन से लूप से करा है, फॉर से। क्या तुम लोग मुझे लीनियर सर्च वाइल के लूप से कर सकते हो? बोलो। सर। अच्छा मैं आपसे कह रहा हूं फॉर एग्जाम्पल यहां पर, अच्छा हमेशा इंडेक्सिंग अगर 1 से कराओ तो ज्यादा सही रहता है, इंडेक्स इक्वल्स टू 0। 1 से कराओ नहीं, 0 से कराओ तो ज्यादा सही रहता है, पाइथन में 0 होती है। अब मैं लगा रहा हूं वाइल, एरे बना ले या नहीं बनाए? एरे तो बनानी पड़ेगी, क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि आपके पास मल्टीपल वैल्यू ही एरे स्टोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 पड़ा हुआ है और 100 रखा हुआ है। चलो सुफियान बताओ टोटल कितने इंडेक्स है बेटा? 10। सही 10, हाँ 0 से लेके 9 तक है। फ्लैग नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और फ्लैग में क्या रखूंगा बताओ सुफियान? वैल्यू जब नहीं मिली तो क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। अब वाइल का लूप लगाते हैं, वाइल क्या लिखूं, इंडेक्स कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड रहेगी तब तक लूप चलेगा, तो वाइल इंडेक्स इज लेस देन इक्वल्स टू, बताओ सुफियान कितना है इंडेक्स 0 से लेके?
जीरो से लेके नाइन नाइन तक, एंड नाइन नाइन हाँ दूसरी कंडीशन बताओ, जब तक फ्लैग क्या रहे, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स जब तक फ्लैग फॉल्स रहे और जब तक फ्लैग फॉल्स रहे और इंडेक्स तुम्हारा 9 तक नहीं पहुंचे, जब तक फ्लैग फॉल्स रहे और इंडेक्स तुम्हारा 9 तक नहीं पहुंचे, तब तक के तुम लूप चलाना, जैसे ही इंडेक्स 9 से बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारा वाइल लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप, या फ्लैग में ट्रू आ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, स्टॉप। फॉल्स की स्पेलिंग तो देखो, सही है बच्चों, समझ आया नहीं आया? सुफियान बताओ ये लूप कब तक चलेगा, जी सर, ये लूप कब तक, ये लूप कब स्टॉप होगा, ऐसे जब कर, तक लेस देन इक्वल्स टू नाइन, तो लूप स्टॉप कब होगा, जब जब इंडेक्स। ग्रेटर देन नाइन हो जाएगा हाँ, और इसके साथ साथ जब फ्लैग में फ्लैग क्या हो जाएगा, जैसे अगर फ्लैग टू। ट्रू हो गया तब भी तो खत्म हो जाएगा, है ना? जी, सही है, अहमद समझ आ गई ये बात, नहीं आई? अंडरस्टूड सर। ओके। चले अहमद, इंडेंटेशन अंदर करूंगा या यहां पे लिखूंगा? सर इंडेंट करना पड़ेगा ताकि लूप के अंदर। वेरी गुड, तो अब हम, मैं यहां पे क्या बोलूंगा, आप लोग बताएं मुझे, बोलो। सर इफ की कंडीशन लगाएं कि कंपेयर लेकिन वैल्यू इनपुट से जो ले लो, ऊपर मैं कह रहा हूँ एक्स के जी अंदर एक वैल्यू इनपुट ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू इंटीजर, डेटा की टाइप आ गई, और फिर मैं कर रहा हूँ इनपुट। यार ये पता नहीं हेल्प मिल जाती है, एंटर वैल्यू टू सर्च इन एरे, सही है भाई, ठीक हो गया। अब मुझे बताओ इफ की कंडीशन लेगी, इफ सुफियान किसको किस में सर्च कराना है, सुफियान किसको किसको क्या किसको सर्च कराऊंगा, किस में कराऊंगा, एक्स को सर्च वैल्यू कराऊंगा, को सर्च करेंगे एरे के अंदर, एक्स को एरे के अंदर, एरे का नाम एरे का नाम एरे। और इसकी इंडेक्स क्या आएगा, इंडेक्स क्या है, इंडेक्स ही है ना, इंडेक्स का नाम इंडेक्स ही है ना, जी अगर ये दोनों बराबर आ यस तो फ्लैग क्या होना चाहिए, फ्लैग क्या हो जाए, अगर ट्रू हो ट्रू, गया। जैसे ही ट्रू होगा तो लूप स्टॉप हो जाएगा ना, तुमने ऊपर लिखा है ना, यस अगर कंडीशन मीट कर जाएगी तो फ्लैग ट्रू हो जाएगा, और अगर कंडीशन मीट नहीं करेगी एल्स मैं क्या बोलूंगा, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ने को क्या बोलूंगा, इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस प्लस, बोलो अबे, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स, बोलो यार सुफियान, इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंडेक्स प्लस होगा, क्या प्लस होगा, प्लस टू इंडेक्स प्लस वन प्लस प्लस वन, वन वेरी गुड। इस लाइन को एक और तरीके से लिखते हैं, कैसे, इंडेक्स प्लस इक्वल्स टू वन, पता ही है बात आपको, नहीं पता, लिख देता हूं, नो इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन को हम कैसे लिख सकते हैं, इंडेक्स प्लस इक्वल टू वन, सही है, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन को पाइथन में इंडेक्स प्लस इक्वल टू वन लिख सकते हैं, एम आई क्लियर। चलो अब बेटा मैं इस लूप को खत्म कैसे कराऊं, सिर्फ इंडेंटेशन खत्म कराऊंगा, लूप खत्म हो जाएगा, सही है, जब मैंने इंडेंटेशन खत्म कराया तो यहां पे बोलूंगा अगर फ्लैग मेरा किसके बराबर है, बोलो अब क्या लिखना चाहिए मुझे, अगर फ्लैग ट्रू है तो बोलो, तो स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप तो हो गया, लूप भी खत्म हो गया, लूप खत्म होने के बाद क्या करना है भाई, आउटसाइड द लूप की सर बात कर रहा हूं, इंडेक्स की वैल्यू सर आउट लूप खत्म हो गया, अब बताओ
अगर फ्लैग वैल्यू नॉट फाउंड करेंगे। हाँ प्रिंट कराएंगे, अगर फ्लैग ट्रू होगा तो वैल्यू नॉट फाउंड, वाह वाह बोलो, वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे, कॉमा, वेरिएबल का नाम है क्या, इंडेक्स डिफाउंडेड ना, और एल्स में क्या लगाऊं, प्रिंट वैल्यू नॉट फाउंड। अब सही है भाई बच्चों, ये कोड सही लिखा है या कुछ गड़बड़ है इसमें, सही है जी पक्की बात है, सर। रन करते हैं, ये लो रन कर दिया, कह रहे सिंटेक्स एरर है, कहां पे, कह रहे आपको डबल इक्वल्स टू लगाना था यहां पर, देखो ये वाली लाइन बच्चों, जब भी आप कंपेयर करते हो ना तो क्या लगाते हो, डबल इक्वल्स टू, तो मुझे यहाँ पे फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, सिंगल या डबल, डबल, आप सही है, बोला नहीं भाई, कह जी सर। रहा इफ के अंदर भी तुम्हें डबल लगाना चाहिए था ना, वहां भी तो कंपेयर कर रहे हो ना, तो मैंने इफ में डबल ही तो लगाया, 9 12 वैसे हो। अभी भी एरर है क्या है, नहीं अपने है। चलो अगर मैं 80 को सर्च कराऊं तो बताओ 80 सर्च होगा या नहीं होगा, सुफियान कौन से पे लिखा हुआ है 80, 0 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ इंडेक्स पे लिखा हुआ है, यस और नो, यस देखो आ गया वैल्यू फाउंड एट 7, आओ दोबारा से करवा रहा हूं, अगर मैं यहां लिखूं 6, बताओ 6 इज फाउंड और नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। नॉट फाउंड, डन, यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।